वीडियो खसूसन 2 साला डिग्री एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और 4 साला ग्रेजुएशन यानी बीएस डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है ताकि उनको एक ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ दिन पहले ही 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएस 4 ईयर्स को ख़त्म करने की खबरें आ रही थी कि एचईसी का कोई इजलास हुआ है जिसमें वाइस चांसलर्स ने ये पॉइंट्स रेस किए हैं कि ये 2 डिग्रीज ख़त्म की जाएँ या को मुलतवी किया जाए और पुरानी बीए बीएससी 2 साला जो एनुअल सिस्टम था उसको रीस्टोर किया जाए। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही थी। एचईसी ने ऑफिशियली इस बात की तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप स्क्रीन पे ऑफिशियल ट्वीट देख सकते हैं जिसमें इस एचईसी ने वाजिया कहा है कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो एसोसिएट डिग्री है और 4 साला ग्रेजुएशन बीएस प्रोग्राम ये बिल्कुल भी मुलतवी नहीं किए गए। 2 जुलाई को जो वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये बात की गई है। उसमें कुछ और तहफ्फुज़ात ज़रूर थे जैसे कि पीएचडी बीएस के बाद किस तरह से कराई जाएगी एंड ऑल दैट, इसके बारे में कुछ तहफ्फुज़ात थे। लेकिन इस ट्वीट में आप सामने साफ साफ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपको लिखा हुआ है, आप ये सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि दोनों प्रोग्राम्स बरकरार हैं, दोनों पे अमल दरामद पहले की तरह जारी रहेगा, दोनों में से किसी को ख़त्म नहीं किया गया, एमएससी के प्रोग्राम्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। और इस सिलसिले में कि पीएचडी में बीएस के बाद कैसे एडमिशन होगा और ऑल दैट, जितनी भी मज़ीद चेंजिंग्स आई हैं उसके बारे में एक और मीटिंग होगी वाइस चांसलर्स की जिनमें अपने तहफ़ुज़ात पेश किए जाएंगे, कुछ उसमें पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और जो भी उसमें पॉलिसीज़ और डिसीजन सामने आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे एचईसी की तरफ से। मेरे चैनल पर भी आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ या अपडेट्स मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इस अब तक के लिए यही न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि 4 साला ना डिग्री ख़त्म हो रही है, ना बीएस ख़त्म हो रहा है, ना ही ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 ईयर्स ख़त्म हो रहा है। एनुअल सिस्टम वापस नहीं आने वाला, हम आहिस्ता आहिस्ता सेमेस्टर सिस्टम पे ही मूव करेंगे। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है और ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।